बाघमारा विधायक के पूरे परिवार ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव घोषणा होने के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर टीएमसी कार्यकर्ता के बढ़ रहे अत्याचार पर आज बुधवार को भाजपा विधायक ढुल्लू महतो ने अपने पूरे परिवार संग अपने आवास में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सांकेतिक धरना देकर प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। इस दौरान भाजपा विधायक ढुल्लू महतो ने बताया, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का परिणाम आते ही टीएमसी कार्यकर्ता भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला, हत्या व महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता अपने घर छोड़कर भागने को विवश हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सत्ता आने के साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा पर जुल्म ढाना शुरू कर दिए हैं। संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, ऐसे में वहाँ संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद पश्चिम बंगाल के लगभग सभी हिस्सों से आगजनी, हत्या, बलात्कार, लूटपाट, मारपीट आदि की घटनाएं सामने आ रही हैं। निजी संपत्तियों के साथ साथ सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इतना सब होने के बावजूद राज्य सरकार पुलिस को जरूरी कदम उठाने का निर्देश नहीं दे रही है। राज्य सरकार अपनी संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं कर रही है। लोकतंत्र पर गलत मानसिकता रखने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसलिए आज इस सांकेतिक धरना के माध्यम से प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति से पश्चिम बंगाल में अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करता हूं। वहीं बागमारा विधायक की धर्मपत्नी सह भाजपा नेत्री सावित्री देवी ने कहा, चुनाव परिणाम आने के बाद शुरू हुई हिंसा पर नियंत्रण में राज्य सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। बंगाल पुलिस टीएमसी कैडर की तरह काम कर रही है। इस दौरान परिवार के सभी सदस्यगण मौजूद रहे। बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसाओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के साथ ही हिंसा भड़क गई। बंगाल में खून खराबा जारी है। ममता बनर्जी से हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि दीदी, आप ही बता दीजिए कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का थोड़ा भी असर है या वहाँ सिर्फ थोक तंत्र की नीति को अपनाया जाता है। यह आखिर किसकी लापरवाही है जो हालात इतने बेकाबू हो गए? घरों को सरेआम आग के हवाले कर दिया जा रहा है। बम से हमला मानो आम बात हो गई है। दीदी ओ दीदी, अगर आप और आपके नेताओं ने जीत का जश्न मना लिया हो तो जरा संभालिए बंगाल को, क्योंकि ये बंगाल धू धू कर जल रहा है और रो रहा है। गलत मानसिकता रखने वाले टीएमसी कार्यकर्ता या अन्य जितने भी विपक्षी दल के कार्यकर्ता हैं जो गलत मानसिकता लोकतंत्र पर रखता है, उसे लोगों पर कार्रवाई कड़ी से कड़ी हो।